मैं बस खुश हूँ कि मुझे uh, विद्या जी और माधुरी जी के साथ स्क्रीन स्पेस uh, शेयर करने का मौका मिला मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था आई वॉज इन अ ड्रीम विद द सक्सेस ऑफ ऑल दॉरी हॉरर कॉमेडी फिल्म दिस इज अगेन समथिंग आई फील फैमिली फैमिलीज एंड बहुत सारी ऑडियंस ऐसे इस इस जॉनर इस, इस, uh, को देखना चाहती है थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्चुअली uh, मैं एक के बाद एक जैसे टीजर आया फिर ट्रेलर आया एंड नाउ जिस तरीके से टाइटल ट्रैक भूल थ्री का आया uh, हर चीज़ में जिस तरीके का रिएक्शन ऑडियंस का आ रहा है फैंस का आ रहा है uh, uh, हम सब लोग बहुत खुश हैं उससे और ऑल द मोर अब एक्साइटेड हैं टूवर्ड्स तो द रिलीज अब दस दिन बचे हैं रिलीज में फिल्म के और वी आर जस्ट लुकिंग फॉर्व टू द रिलीज एंड इट्स एक्साइटिंग बिकॉज इतने लेवल पे प्रमोशन्स चल रहा है इस फिल्म का आ, एवरी डे मैं कहीं ना कहीं किसी शहर में होता हूँ किसी कॉलेज में हूँ या कहीं किसी जगह पर हूँ मुझे खुद आ, एक एनर्जी फील हो रही है लोगों के रिएक्शन से लोगों के आ, आ, हर बात पे हुक स्टेप्स कर रहा हूँ इतने लोगों के साथ सब लोग जिस तरीके से उनके वीडियोस देख रहा हूँ रील्स देख रहा हूँ ऑन ऑन द टाइटल ट्रैक सेल्फ ट्रेलर भी जब आया था तो उसके डायलॉग्स पे इतने मीम्स बने थे या इतनी फ़नी इंटोनेशन थे या इतनी थ्योरीज अभी फ़िल्म के बारे में बन रही है कि आ, क्या होने वाला है इसका एक्चुअली में आ, फिल्म के एंड में क्या होने वाला है या सारी चीज़ें इट्स जस्ट इट जस्ट टू मनी थिंग्स टूगेदर एंड एवरी थिंग जस्ट इज इज़ जस्ट फॉलोइंग इन इन टू प्लेस एंड एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड फॉर द रिलीज ऑफ बुलब्लेक और बहुत अगेन इसकी uh, रिहर्सल हुई थी लेकिन काफ़ी कुछ सेट पर हमने किया था इन फैक्ट अगर आप जो uh, जो डांस स्टेप जिसके बारे में सब बात करें जो स्टेकेस वाला स्पूकी स्लाइड uh, जिसका नाम है वो सेट पर ही सीखा था और वहीं uh, किया गया था तो वो किसी को पता नहीं अभी तक सो uh, इनफैक्ट so उसकी कोई रिहर्सल नहीं हुई थी वो वहीं पे किया गया था एंड उसके अलावा लेकिन ऑफ़ कोर्स जो मेजर जो वन शॉट है शुरू का जो पूरा का पूरा जिसमें बहुत सारी चीज़ें uh, बहुत रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के जिस चीज़ को लेकर आई थिंक वो उसकी रिहर्सल हुई थी काफ़ी दिन तक के करना पड़ रहा है वो तो मैं बहुत खुश होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि uh, जितना एंटरटेन uh, कर पाऊँ उतना कम है और एंड आई लव बीइंग देर राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड उनको एंटरटेन करना मुझे बहुत पसंद है तो मुझे प्रमोशंस में तो बहुत मजा आ रहा है इनफैक्ट जब से एक गाना आया है तब से ऑल द मोर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं सबके आई थिंक आई एम आई एम जस्ट टू हैप्पी विद ऑल द रिएक्शंस कमिंग टूवर्ड्स आर फिल्म मैं आपको एक चीज़ बताऊँ एक्चुअली जब हम बुलबले टू की थी तब रू बा का कैरेक्टर इस्टेब्लिश नहीं था और तब किसी को नहीं पता था अच्छा रू बाबा क्या है कौन है कैसे होगा आ, तब रूहान क्योंकि कैरेक्टर का नाम था तो उससे वो रू बाबा कैसे बना ऑल दैट थिंग वाज देयर इन भूल बुले टू लेकिन भूल बले थ्री के प्रमोशंस में एक्चुअली जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ मुझे रू बाबा के नाम से बुला रहे बच्चे बच्चे रू बाबा बोल रहे हैं एंड एंड इट सीम्स लाइक कि मतलब uh, कैसे बहुत ही अलग तरीके का प्रमोशंस लग रहा है मुझे क्योंकि सडनली वो कैरेक्टर स्टैब्लिश हो चुका है और उस उसके बारे में और और कपड़े पहन कर आ रहे हैं वो सेम सिमिलर कॉस्ट्यूम आउटफिट पहन कर आ रहे हैं बच्चे पहन कर आ रहे हैं एंड एंड इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर कि ऐसा एक कैरेक्टर इतने बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश हुआ पिछली uh, फिल्म के साथ और uh, और इस वाली में ऑफ़कोर्स अगर मैं कुछ चेंजेस की बातें करूं तो मैं तो रिप्राइज़ ही कर रहा था रू बाबा का कैरेक्टर एंड 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 बस मेरा एक ही चीज़ जो मेरे लिए बहुत डिफरेंट हो रही थी वो ये था कि मैं चंदू चैम्पियन जो फिल्म शूट कर रहा था उसके जस्ट बाद उसको ख़त्म करने के बाद मैं भूल भलिया थ्री के सेट पे जा रहा था तो वो मेरे लिए अचानक से एक आ, आ, बहुत अलग किस्म का आ, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आया चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आया एंड बट बट इवेंचुअली आई थिंक दो तीन दिन मुझे लगे कि टू गेट इन टू दिस कैरेक्टर एंड दिस एन्वायरमेंट बिकॉज इसका स्टोरी बहुत अलग है तो एंड वंस मतलब वो स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत मजा आने लगा अभी सस्पेंस में है कितने सर एक हफ्ता तो बचा है दस दिन है तो उसी में आप इंजॉय करें थिएटर्स में जाकर मैं बस खुश हूँ कि मुझे विद्या जी और माधुरी जी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला और इतनी जल्दी करियर में ये मौका मिला आई थिंक उनके साथ तो काम करने का मौका मिला उन दोनों के एक फ्रेम में और मुझे उनके साथ एक्टिंग करने का ये सारे मौके मेरे लिए बहुत बहुत बड़े ऑपरचुनिटीज रहे हैं एंड एंड या आई ऑलवेज़ रिमेंबर दिस बिकॉज आई लर्न सो मच फ्रॉम देम एंड एंड इट्स बेन अ जर्नी आई थिंक बहुत मतलब हम लोग मतलब मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था आई वॉज इन अ ड्रीम बिकॉज माधुरी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ विद्या जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उन दोनों के साथ बैठ के लंच खा रहा हूँ या फिर उनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ या सीन्स परफॉर्म कर रहा हूँ कॉमिकल सीन्स कर रहा हूँ या फिर आ, कुछ ना कुछ हॉरर हॉरिफिक सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं बट एवरी आई थिंक मुझे ये सारे मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंसेस रहे जिनका मैं लाइफ लॉन्ग मतलब मैं जिनको याद रखूँगा आई थिंक इट्स द फ्लेवर ऑफ द सीज़न हॉरर कॉमेडी जॉनर इनफैक्ट जब हमने uh, दो साल पहले भूल भुलैया टू रिलीज़ की थी uh, उस टाइम uh, काफ़ी लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए थे कि ये फिल्म uh, शायद से पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो सबके कंफ्यूजन थे बट इट दट वंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड 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 आई थिंक वो वो उस टाइम बहुत आई थिंक हॉरर कॉमेडी जॉनर अचानक से uh... विद भूल बुलेट टू हम हम सब का उसमें ध्यान आकर्षित हुआ एंड एंड राइट नाउ ऑल्सो विद भूल बुलेट थ्री फैक्ट विद द सक्सेस ऑफ ऑल द दॉरी हॉरर कॉमेडी फिल्म दिस इज अगेन समथिंग आई फील फैमिली फैमिलीज एंड बहुत सारी ऑडियंस ऐसे इस जॉनर को देखना चाहती है एंड मैं खुद मतलब ऐसी बहुत फिल्में देखना चाहता हूँ पसंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग इनफैक्ट हॉरर एक एक ऐसा जॉनर है अगर वो कॉमेडी के साथ जब मिक्स होता है सो इट्स ऑटोमेटिकली वो एक थ्रिलिंग एलिमेंट आ जाता है एंड एंड uh, एक कॉमिकल नेचर उसमें ऑलरेडी है सो so वो दोनों का मिक्सचर एक बहुत ही uh, बहुत ही एक्साइटिंग एक, एक, uh, सा एक एक्सपीरियंस uh, देता है लोगों को ऑडियंस को विच आई फील ऑडियंस इन्जॉय करती है थिएटर्स में जाके मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि दिवाली रिलीज़ हो रही है भूल भुलैया आप सब अपने परिवार के साथ जाइए और इन्जॉय कीजिए जैसे भूल भुलैया टू को आपने इतना प्यार दिया था बिकॉज उसने इतना इंटरटेन किया था आपको भूल भुलैया थ्री भी तीन गुना इंटरटेन करेगी आपको और और आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो आई होप ये दिवाली भूल भुल वाली हो